समाचार की अरे हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। भारत में अजूबों की कोई कमी नहीं है, यहाँ आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, जिनके होने का कारण आज तक कोई नहीं जान पाया है। इन्हीं में से एक है अमरनाथ का शिवलिंग। कश्मीर से करीब 135 मीटर की दूरी पर यह तीर्थ स्थल स्थित है। अमरनाथ में उपस्थित गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर तथा ऊंचाई 11 मीटर है। अमरनाथ भगवान शिव के प्रमुख स्थानों में से एक है। यहाँ की प्रमुख बात यह है कि यहाँ पर उपस्थित शिवलिंग स्वयं निर्मित होता है। स्वयं निर्मित होने के कारण इसे स्वयं भू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। इस शिवलिंग के दर्शन आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन तक प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ ही इस शिवलिंग का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। इस शिवलिंग की खास बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना है, जबकि जिस गुफा में यह शिवलिंग स्थित है वहां उपस्थित अन्य बर्फ हिम कण के रूप में होती है। जिस प्रकार भगवान शिव का शिवलिंग है, ठीक उसी प्रकार उसी गुफा में कुछ दूरी पर भगवान गणेश, पार्वती जी तथा भैरव बाबा के भी ठोस लिंग बनते हैं। अमरनाथ गुफा में शिव जी ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था तथा इसी कथा को सुनकर शुक शिशु शंभुजात शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए थे। जब शिव जी यह कथा पार्वती माता को सुना रहे थे, ठीक उसी समय उस गुफा में एक कबूतर का जोड़ा भी मौजूद था। इस कथा को सुनने के बाद वह कबूतर का जोड़ा भी अमर हो गया था। आज भी कुछ भाग्यवान श्रद्धालुओं को इस कबूतर के जोड़े के दर्शन होते हैं तथा मान्यता तो यह भी है कि जिस किसी को भी यह कबूतर के जोड़े के दर्शन होते हैं उसे शिव पार्वती स्वयं अपने दर्शन प्रदान करके कृतार्थ करते हैं। अमरनाथ की यात्रा करने वालों के लिए दो विकल्प मौजूद हैं। पहला रास्ता पहलगाम से जाता है और दूसरा सोनमर्ग बाल्टान से। पहलगाम का रास्ता बाल्टान की अपेक्षा सरल है, इसलिए सरकार भी दर्शनार्थियों को इसी रास्ते से जाने का सुझाव देती है, क्योंकि बाल्टान से जाने वाला रास्ता बहुत कठिन है। यहाँ से जाने वालों को कई परेशानियां उठानी पड़ती हैं तथा इस रास्ते में जोखिम भी बहुत है, इसलिए सरकार इस रास्ते से जाने वालों की जिम्मेदारी नहीं लेती। इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू हो चुकी है। 60 दिवसीय यह यात्रा 26 अगस्त को समाप्त होगी। आपको बता दें कि आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रिप बाइक, बुलेट प्रूफ एसयूवी से लैस पुलिस काफिले और जगह जगह बुलेट प्रूफ बंकर जैसे व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। आज अनेकों मौसमी परेशानियों तथा खतरों को नकारते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने उमड़ रहे हैं। शायद इसे ही अनंत भक्ति और विश्वास कहते हैं।